तीसरा विश्व युद्ध, खुशी का समाचार। ये छोटे छोटे वीडियोस आपको बताएंगे कि तीसरे विश्व युद्ध से कौन सी खुशी मिल सकती है, जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने परमधाम से आकर समझाया है। इस समय सारी सृष्टि को, सारी पृथ्वी पर तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, और ये तीसरा विश्व युद्ध होना, किसी से भी हम पूछते हैं कि गुड न्यूज है या बैड न्यूज, सभी का नॉर्मल यही एक जवाब आता है कि ये बैड न्यूज है। क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो आइंस्टाइन लिख के रख गया है, 1955 में उसने शरीर छोड़ दिया था। किसने? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने। और उसने उस समय ये डिक्लेयर कर दिया था कि थर्ड वर्ल्ड वार विल बी द लास्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद कोई नहीं बचेगा। आइंस्टाइन के वर्ड थे, कोई नहीं बचेगा, और यदि कोई बच भी गया तो उसके पास लड़ने के लिए सिवाय पत्थरों के कुछ नहीं होगा। उसी सीट पर स्टीफन हॉकिंस पूरे वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट हुए, अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया, स्टीफन हॉकिंस। और वो जब भारत में आए थे, अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति नहीं बने थे, डीआरडीओ के डायरेक्टर थे, और उस समय आकर के यहाँ पर एक कोई जाना था, मिसाइल जाने के ऊपर उसके लिए आए थे, और उनका जो इंटरव्यू था वो फर्स्ट पेज पर प्रिंट हुआ था, मुझे वो फर्स्ट पेज पूरा दिमाग में छपा हुआ है। उसमें उसने कहा था कि यदि हम तीसरे विश्व युद्ध को 2020 तक रोक सके, फर्स्ट पेज पर लाइन थी उनके, तो हम चंद्रमा पर एक कॉलोनी बना लेंगे, और यदि 2050 तक रोक सके तो मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी बना लेंगे। ये फर्स्ट पेज पर प्रिंट हुआ था। क्यों बनाना चाहते थे वो चंद्रमा पर कॉलोनी? अभी भी सब कोशिश कर रहे हैं, प्लॉट काटे जा रहे हैं चंद्रमा पर। क्यों? क्योंकि इस प्लेनेट पर जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि इतने बम्स और मिसाइल पूरे वर्ल्ड के अंदर तैयार हैं और वो चलेंगे, ये निश्चित है, और चलेंगे तो सब खत्म हो जाएंगे। ये रुके हुए भी क्यों है? ये रुके हुए भी इसीलिए हैं कि मुझे पता है कि मैंने ये मिसाइल चलाई, आप तो मरेंगे, पर तो उससे पहले आपको इतना टाइम जरूर मिल जाएगा कि आप मेरे पर भी मिसाइल चला दो। क्लिक ही तो करना है, बटन ही तो दबाना है। वो मरेंगे तो मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए केवल मिसाइलों को रोका हुआ है। जिस दिन ये भय खत्म हो गया उस दिन मिसाइलें चलेंगे, और जैसे ही ये रोबोट के हाथ में जा रहा है मिसाइलों का काम, और रोबोट ने एक ने गलती की, सबको करना पड़ेगा। भाई छोटी सी बात है कि पाकिस्तान ही ले लो, वो अपनी मिसाइल यदि इंडिया पर चलाता है तो इंडिया क्या करेगी? पाकिस्तान भारत की एक स्टेट के बराबर है, ठीक है, और क्या हाल होगा उसका? हमारा वो बेशक जितना भी नुकसान करने में कामयाब होगा, तो हम भी तो अपने हमारे ऊपर तो चला रहा है, तो हम नहीं चलाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये पूरे थर्ड वर्ल्ड वार होगा, वो हर एक देश को चलाने पड़ेंगे, इसलिए तो वर्ल्ड वार है, थर्ड वर्ल्ड वार, पूरा संसार, पूरे देश, क्योंकि एक ही बम ने सेकंड वर्ल्ड वार को पूरे वर्ल्ड के अंदर रोक दिया था। नागासाकी हिरोशिमा में बम डाला था अमेरिका ने,
एक ही बम ने पूरे वर्ल्ड के सेकेंड वर्ल्ड वार को रोक दिया था, पर अब एक बम जो चलेगा वो सारे संसार को आग का गोला बना, ये तय, ये निश्चित है, ये रिवर्स में नहीं जा सकता। ये दुनिया वाले सारे महसूस कर रहे हैं और अब परमपिता परमात्मा ने आकर उस पर स्टैंप लगाई है कि ये होना है, ये होना है, और ये होना भी गुड न्यूज है। ये परमात्मा ने आके बताया कि ये गुड न्यूज है। कैसे ये गुड न्यूज है? ये परमात्मा ने आकर समझाया, जैसे एक फादर कोई मकान बनाता है, जब वो मकान बनाता है तो उसमें जरा भी कमी नहीं होती, परफेक्ट बनाता है ना। परंतु हम सभी अनुभवी हैं कि साल दो साल में छह महीने में कुछ ना कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। मैकेनिक को बुलाते हैं, उसे रिपेयर कराते हैं, फिर साल दो साल बाद फिर खराब हो जाता है, फिर मैकेनिक को बुलाते हैं, उसे रिपेयर कराते हैं, फिर खराब हो जाता है। कभी टूटी खराब है तो कभी पंखा खराब है तो कभी दीवार खराब है तो कभी ये खराब है, ठीक है, चेंज होता रहता है, रिपेयर होती रहती है। परंतु उसके साथ साथ एक और भी होता रहता है कि ओल्ड फैशन होता जाता है मकान, जैसे टाइम बीता जाता है ओल्ड फैशन हो जाता है, रोजाना नई नई टेक्नोलॉजी, नई नए तरीके, नई नई सिस्टम बनते जाते हैं, उसके आगे वो ओल्ड मकान दिखाई देता है, ठीक है। अब उसमें कितना भी रिपेयर कराता है, अब एक टाइम ऐसा आ जाता है, कहते हैं पे रिपेयर कराने पर इतना पैसा खर्च हो जाएगा और मकान ओल्ड फैशन का ओल्ड फैशन रह जाएगा, इससे अच्छा मैं इसको गिराकर नया ही क्यों ना बना दूं। अब वो अपना फंड इकट्ठा करता है, दुनिया से पैसा इकट्ठा करता है, बैंक से जहां से भी कैसे भी, कि इतना बढ़िया मैंने बनाना है, बिल्कुल नया मॉडर्न बनाना है। अब उसके लिए वो घर नहीं बताता, घर नहीं बताता, उसने बहुत अच्छा नक्शा बना लिया है, प्लानिंग बना लिया है, पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है, पर तो घर उसने नहीं बताया। और अब बुलडोजर वाले को बुलाया, जाओ मेरे मकान को गिरा दो। अब वो मकान को गिराने के लिए आ जाए तो बच्चे खुश होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे। फिर जैसा भी मकान है हमारा गिरा क्यों रहे हो? हाँ, क्यों गिरा रहे हो हमारा मकान? उनको दुख होगा। पर तो पिताजी घर आए, आकर के सारे बच्चों को इकट्ठा करें, उनको बताए, देखो बच्चे हमने ये नक्शा बनाया है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ तुम्हारा डाइनिंग होगा, किचन होगा, स्विमिंग होगा, रीडिंग होगा, और क्या चाहिए बोलो, कैसे बनाना चाहिए? सबकी राय से सबको समझ में आ जाता है कि आप हमारे पिताजी हमारे लिए नया मकान बना रहे हैं, तो कल बुलडोजर वाला मकान को गिराने के लिए आएगा। आप बुलडोजर मकान को गिराने आएगा तो बच्चे खुश होंगे कि दुखी होंगे? ठीक इसी प्रकार परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे मैंने ये संसार तुम्हें स्वर्ग बना के दिया था, 100% प्योर बना के दिया था, जिसमें जरा भी कमी नहीं थी। धीरे धीरे जब इसमें कमियां आने लगी तो मैंने अपने बच्चे इब्राहिम को भेजा, क्राइस्ट को भेजा, शंकराचार्य को भेजा, मोहम्मद को भेजा, बुद्ध को भेजा। धर्म पिताओं ने आकर इस संसार को रिपेयर करने का कार्य किया, रिपेयर भी हुआ, परंतु आज ये इतना बिगड़ गया है, ये दुनिया खंडहर बन गई है, जो बियॉन्ड रिपेयर, अब ये रिपेयरेबल नहीं है। इसलिए मैं आया हूं फिर से तुम्हारे लिए इसे स्वर्ग बनाने के। तो जब मकान नया बनाना है तो पुराने को गिराना पड़ेगा ना, गिराना पड़ेगा ना। तो इस दुनिया को आग लगाने के लिए, इसको परिवर्तन करने के लिए पांचों तत्व एक साथ काम करेंगे, एक तत्व नहीं, पांचों तत्व एक साथ काम करेंगे। और जब मकान को गिराएंगे तो बच्चों को वहां बैठे रहने देंगे कि शिफ्ट करेंगे? शिफ्ट करेंगे। तो मेरे तुम आत्माएं बच्चे हो, मैं तुम सब आत्माओं को यहां से शिफ्ट करूंगा
परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम अपने घर में। फिर इसे जब नया बन जाएगा फिर तुम आएंगे, फिर तुम यहां आएंगे। अब दो बातें यहां हमें समझनी है, एक ये सृष्टि का परिवर्तन होगा तो कैसे होगा, उसका सिस्टम क्या है, उसका सबसे बड़ा सिस्टम इसको परिवर्तन के लिए क्या क्या हुआ है मैं वो भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि धरती को आज इतना खोखला कर दिया है, इतना खोखला कर दिया है, आप सोच सकते हैं कितना कोयला निकालना होगा। मैं 2008 में पहली बार इसको रियलाइज किया था, 2008 में मैं ग्वालियर गया हुआ था, वहां मैं एक घंटा ट्रेन का वेट करना था, मेरे सामने चार कोयले की गाड़ियां गई और मैंने देखा एक गाड़ी में 45 डिब्बे थे, खाली बैठा डब्बे गिनूंगा, चार गाड़ियों में 180 डब्बे कर चले गए। अब मेरी बुद्धि चलने लगी, 180, एक डब्बा कमरे जितना है, एक डब्बा बड़े कमरे जितना है, 180 कमरे की जगह धरती में खाली। अब मेरा सोच कहां जा रहा है, 180 कमरे की जगह धरती में खाली, मैं नहीं बैठ रहा हूं गाड़ी तो तब भी जा रही है, कब से हमने कोयला यूज कर रहे हैं, कोयले के इंजन में शोरूम में पहुंचा दिए हैं, कितना धरती खाली कर दिया होगा, कितना धरती खाली किया होगा, हमने खाली कोयला ही नहीं निकाला, तांबा कितना निकाला। मैं दरिबा कोपर प्रोजेक्ट में गया था, नीलों धरती खाली है, कौन से मनरेगा दरिबा खेत भी है, दरिबा है अब गए हो, हाँ दरिबा में गया काल खेत नंबर हुए आपके, तो दरिबा कोपर प्रोजेक्ट में गया मैं, तो धरती के अंदर नीलों धरती खाली है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाकर गाड़ी से जाते हैं, मिलो धरती अंदर खाली है, हमारा हम जहाँ रह रहे हैं खाली के ऊपर ब्लास्टिंग होती है ना, तो यूं होता है, तुम्हारा धरती हमने इतना खाली कर दिया है, अब हम कहेंगे भूकंप ना आए, हम नीचे से खाली करते जाते हैं, बच्चे बनाते थे ना मिट्टी का घर बनाते थे, गिर पड़ता था ना, तो ऐसी धरती को हमने कितना खाली किया है, कितना तांबा निकाला है, कितना अभ्रक निकाला है, कितना लोहा निकाला है, कितना हमने पेट्रोलियम निकाला है, कितना एलपीजी निकाला है, कितना सीएनजी निकाला है, कितना कुछ निकाला है, ना केवल भारत में निकाला है पूरे विश्व के अंदर निकाला है, कितना खाली किया है हमने सारी दुनिया को। अब हम कहेंगे धरती ना हिले, अरे भाई क्यों ना हिले, आप समझ सकते हैं यदि समुद्र को कहीं से भी जरा सा रास्ता मिल गया उस खाली जगह में घुसने का, कितनी तेजी से पानी जाएगा और वहां जाकर निकलेगा जहां कभी सपने में नहीं सोचा होगा, क्योंकि पानी इतना स्पीड पकड़ चुका होगा अंदर मीलों दौड़ने के बाद, उसकी इतनी स्पीड हो गई होगी वो रोक नहीं पाएगा, वो वहां जाकर निकलेगा जहां किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा और वहां बाढ़ आ जाएगी। ये मैं आपको छोटा सा देखो समझने वाली बात है, जंगल हमने काट दिए, पूरे वर्ल्ड के टॉप लेवल पर थिंकर्स सोचने वाले आके यही कहते हैं भाई हम जंगल काटने से तो रोक नहीं सकते, पेड़ लगा लो यदि जिंदा रहना है तो, ऑक्सीजन बना लो यदि जिंदा रहना है तो, ये आप देख रहे हो और काफी टाइम से आप न्यूज में पढ़ते आ रहे हो ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा हो चुका है कि जो हमारे ध्रुवों पर बर्फ जमा है उसके ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए हैं, और यदि वो समुद्र के अंदर आ गए, यदि वो समुद्र के अंदर आ गए तो क्या होगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ने से क्या होगा, हमारी 85% रिफाइनरीज जो हैं वो समुद्र के अंदर है, 15% रिफाइनरीज पूरे वर्ल्ड के अंदर समुद्र से दूर है, 85% रिफाइनरीज समुद्र के अंदर हैं और वो डूब जाएंगे, उनका काम रुक जाएगा। अब आप सोचिए कि पेट्रोलियम यदि रुक गया तो पूरी दुनिया का चक्का जाम, जिसके पास ताकत होगी वो छीन के खाएगा, कमजोर को रोटी खाने का अधिकार नहीं, तो
खुद आए पढ़ाने के लिए, ये दृश्य ना हो, बच्चे इतने दुखी ना हो। मेरी लाइन को समझ रहे हैं? ये सीन आने वाला है, ये खुलने वाला है सीन। जिस दिन ग्लेशियर समुद्र में गिरे, ये प्रॉब्लम सामने आने वाली है, ये आने वाली है। और इसके बाद देखिए कि रोजाना गाड़ियां इतनी बढ़ती जा रही हैं, एक मारुति अकेली 5,000 गाड़ियां रोजाना निकाल देती है, कितनी कंपनियां हैं, वो सब कहीं कहीं तो खड़ी होती है ना वर्ल्ड में। कहां बड़े आराम से रहते थे, आज किसी गली के अंदर रोजाना रोड रेस शुरू हो गए, गाड़ियों के झगड़े शुरू हो गए, मेरी गाड़ी खड़ी होगी और तेरी गाड़ी। ये सब ध्यानक रूप लेने जा रहा है। और जितना पोल्यूशन गाड़ियां बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और उतना ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, जितना ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, उतना वहां से अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा सारी दुनिया में क्या क्या बीमारियां आनी है, डॉक्टर्स आज खड़े कर चुके हैं, हम कुछ नहीं सोच सकते, ऐसी भयानक बीमारियां आने वाली। और आप किसी देश के बजट को उठाकर देख लीजिए, नाम है देश की रक्षा के लिए, मोर देन 60% 70% बजट विनाश के साधनों पर लग रहा है, विनाश के साधनों पर लग रहा है। हाँ। नाम है देश की रक्षा। हाँ। बना रहे हैं बम्स और मिसाइल, तो ये चलेंगे, और ये जब चलेंगे तो क्या होगा, कैसे मकान बनेगा नया, उसको हम समझेंगे, क्योंकि परमात्मा ने सब सीन समझाए। जब ये आग लगेगी तो प्लेटिनम जैसी हार्डेस्ट मेटल भी लिक्विड हो जाएगी, जब वो लिक्विड होगी तो बाकी सब चीजों का क्या होगा, जब ये सब कुछ पिघलेगा, सब कुछ जलेगा, धरती को आग लगेगी, सारा वाटर क्या बनेगा, स्टीम बनेगा। जब सारा वाटर स्टीम बनेगा, वाटर की जो विशेषता है कि जब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है तो अपने से 6 times एरिया चाहिए उसको, उसका वॉल्यूम 6 times बढ़ जाता है, स्टीम पानी थोड़ा सा है, और जब स्टीम बनेगा तो उसको 6 times जगह चाहिए, 6 times ज्यादा जगह चाहिए स्टीम को, ठीक है। तो जब स्टीम 6 times जगह ज्यादा लेगी, सारा जब प्लेटिनम जैसी हार्डेस्ट मेटल लिक्विड फॉर्म में आएगी, पानी तो स्टीम बन चुका होगा ना, जब ये पानी सारा का सारा स्टीम बन चुका होगा, ये ओजोन लेयर तक जाएगा, और जितना भी पॉल्यूशन है वो सारा का सारा कार्बन ग्रुप का है, और वो पानी में मिक्स हो जाने वाला है, घुल जाने वाला है, वो सारा का सारा स्टीम में मिक्स हो जाएगा। जब वो स्टीम में मिक्स हो जाएगा तो ओजोन लेयर रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं रहा, और ओजोन लेयर रिपेयर होने का मतलब टेम्परेचर डाउन। साइंस में पढ़ाया जाता है कि धरती एकदम आग का गोला थी, फिर एकदम क्या हो गया, शीतकाल आ गया, लॉ है, थर्मोडायनेमिक लॉ है, तो उसके बाद क्या हो गया, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो सारा का सारा वाटर नीचे, ठीक है, सारी धरती में इतनी बड़ी उथल पथल होगी, क्योंकि हम आत्मा तो अपने घर चली गई, वो तो पीछे क्या होगा कि धरती में इतनी उथल पथल होगी कि सारी की सारी धरती एकदम गर्म होने के बाद आग में डाल दो, शुद्ध हो जाती है, पानी वायु सारे मिल करके एक एक चीज को शुद्ध कर देंगे, जो हमारा एयर पोल्यूशन है खत्म, वाटर पोल्यूशन खत्म, सब कुछ एकदम प्योर हो जाएगा। धरती जो आज 23.5 degrees पर झुकी हुई है, क्यों झुकी हुई है, क्योंकि इसका ग्रेविटेशन फोर्स पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट अलग अलग है, ग्रेविटेशन पॉइंट और सेंटर पॉइंट अलग अलग है। जब धरती पिघलेगी तो क्या होगा, ग्रेविटेशन पॉइंट और सेंटर पॉइंट एक हो जाएगा, जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो सीधी हो जाएगी धरती, एकदम स्ट्रेट हो जाएगी सीधी, तो कर्क रेखा और मकर रेखा खत्म। तो 12 घंटे सूरज रहेगा, 12 घंटे चांद रहेगा, चांद भी पूरा रहेगा, रोज पूर्णमासी रहेगी, घटते बढ़ते कला का कोई मतलब नहीं, मौसम परिवर्तन का कोई मतलब नहीं, सदा बाहर मौसम रहेगा, धरती पर एक ही कॉन्टिनेंट रहेगा,
पेंजिया जिसे बोलते हैं पेंजिया, ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे, धरती में पहले एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजिया कहा जाता है, पी ए एन जे ई ए, नेट पर डालेंगे पेंजिया तो आपके सामने उसकी फिगर आ जाएगी कैसा था। नो अमेरिका नो ऑस्ट्रेलिया कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, केवल एक ही द्वीप होता है जिसे पेंजिया कहते हैं। उस पेंजिया के नक्शा देखेंगे नेट पे, उसके शेप को देखेंगे, उसके बीच में लिखा होगा तिथी सागर। बच्चों को हम पढ़ाते हैं जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले तिथि सागर था, तिथि सागर। अब वो पेंजिया निकालेंगे ना, उसमें लिखा होगा, सेंटर में लिखा होगा तिथि सागर। तो जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां तिथि सागर था, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो परमात्मा कहते बच्चे एक ही द्वीप था, उसी को भारत कहते थे। नो अमेरिका नो ऑस्ट्रेलिया नो यूरोप, और एक ही कॉन्टिनेंट पर हर सब चीज एकदम क्या थी, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, 100% प्योर थी। अब तो एंजॉय करने के लिए कौन आएंगे, उसे एंजॉय करने के लिए कौन आएंगे, 100% प्योर आत्मा उसे एंजॉय करने के लिए आएंगे, 100% प्योर आत्मा। अब कौन से ये दिखाया ना, देख रहे हैं ये मैप है, मतलब ये बच्चों को ज्योग्राफी साइंस में पढ़ाया जाता है। यहाँ बीच में भूगोल का निकालेंगे तो यहाँ लिखा होगा तिथि सागर, यहाँ पर लिखा होगा तिथि सागर, तो जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां पर क्या था, तिथि सागर था। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे, ध्यान से वो समझ गए इतनी बात को। अब क्या होता है कि वहां पर 100% प्योर है तो सबसे पहले कौन आएगा, किसको भेजा जाए, उसके लिए परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया, बच्चे मैं जब कलयुग के अंत में इस पृथ्वी पर आता हूं, मकान को गिराने से पहले, आग लगाने से पहले हर आत्मा को पढ़ाता, हर आत्मा ने मेरे से पढ़ना है, पर तू पढ़ेंगे सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने में सब क्या होंगे, नंबर वन, पवित्र बनने में सब क्या होंगे, नंबर वन। तो जब यहां से सारी आत्माएं हर जाएंगी तो उनकी मैरिट बनेगी, उनकी मैरिट बनेगी 1 से 100 तक, 1 से 100 तक। आप धरती 100% प्योर है तो सबसे पहले कौन सी आत्मा आए, जिसने 99+ में मार्क्स लिए हैं, वो आत्मा सबसे पहले इस धरती पर आए, पवित्र 100% प्योर है ना, पवित्र, वो आत्मा सबसे पहले इस धरती को एंजॉय करने के लिए आए। तो कौन सी आत्मा आएगी, वो कृष्ण, सबसे पहले कृष्ण आता है, कृष्ण, क्यों कहा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ही एक ऐसा देवता है जिसे 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, दुनिया में और किसी को भी 16 कला नहीं कहा जाता, नारायण को भी 16 कला नहीं कहते, राम को 14 कला कहते। तो सबसे पहले 16 कला का अर्थ समझना है, 16 कला माना चंद्रमा अमावस्या पूर्णमासी तक 16वें दिन एकदम कंप्लीट होता है, एकदम कंप्लीट होता है। तो 16 कला होती है, रोजाना एक एक कला बढ़ती जाती है, 16 दिन में वो संपूर्ण हो जाती है। दूसरी बात, रुपए में पहले 16 आने होते थे, 16 आने सच्चा माना 100% प्योर। तो श्री कृष्ण ये जो दुनिया वाले कहते हैं वो नृत्य कला संगीत कला ये कला ये कला ये ऐसी 16 कलाएं थी कृष्ण में, नहीं, 16 कला का मतलब 100% प्योर, जिसमें जरा भी कमी नहीं। तो पहले पहले कौन सी आत्मा आएंगी,
99 प्लस में जो आत्माएं होंगी वो आत्माएं वेरी फर्स्ट डे इस संसार को एंजॉय करने के लिए आएंगे। ठीक है, अब वो कैसे आएंगी, अब वो कैसे आएंगी, इसके लिए भी प्रश्न खड़ा होता है, जिसके लिए हमें थोड़ा जाना पड़ेगा सत्यार्थ प्रकाश में। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है आपने? दयानंद जी सर, बहुत क्वेश्चन उनसे पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया, आप इसको आप समूला खोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि सृष्टि की रचना में पहले मनुष्य हुआ या पृथ्वी हुई, सृष्टि के उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया पृथ्वी हुई। फिर कहा कि मनुष्य मतलब पृथ्वी की ना सृष्टि ये अनादि है या इसका आरंभ हुआ, इस सृष्टि का आरंभ हुआ या अनादि है, कैसे है, कैसे आरंभ हुआ, तो उन्होंने कहा कि सृष्टि हमेशा थी है और रहेगी। बड़ा सीधा, हाँ, एग्जांपल दिया जैसे रात से पहले दिन, दिन से पहले रात, रात से पहले दिन, दिन से पहले रात, ऋग्वेद का श्लोक है जिसका उन्होंने अनुवाद एग्जांपल देकर के कहा कि सृष्टि अनादि और अनंत है, सृष्टि का आरंभ नहीं, ठीक, सृष्टि का आरंभ नहीं, उसके बाद रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, अनादि काल से ये चलती आ रही है और चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सृष्टि हर काल को हूबहू होती है या विलग विलग अलग अलग। फिर ऋग्वेद का एग्जांपल दिया स्वामी दयानंद जी ने, क्योंकि मैं वेद पढ़ूंगा, ऋग्वेद के आंसर जो दिया हुआ है उसको ले लेना, तो बहुत सिंपल सा बड़ा क्लियर जवाब दिया कि मनुष्य कृत कार्य में मिस्टेक हो सकती है परंतु परमात्मा के कार्य में गलती नहीं हो सकती, हर कल्प हूबहू रिपीट होता है। बड़ा ऋग्वेद का ये एग्जांपल दिया, ये मैंने वो नोट करके रखे हुए, आप आठवां समुलास खुद पढ़ सकते हैं कॉमन। उसके बाद मनुष्य एक था या बहुत सारे थे, फिर क्वेश्चन पूछा गया कि सृष्टि के आदि में एक था या बहुत सारे थे, क्योंकि कहते एक को बहुत से आगे, एक से बहुत हो गए, परंतु स्वामी दयानंद जी ने जवाब दिया नहीं बहुत सारे थे, एक होता तो फिर सब एक जैसे होते ना, अंतर नहीं आता, जो उनकी समझते उन्होंने दिया। तीसरा अगला क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि आदि में बच्चे थे, युवा थे या वृद्ध थे, अब स्वामी दयानंद जी ने कहा युवा, यदि बच्चे होते उनको पालेगा कौन, वृद्ध हो तो सृष्टि बनेगी कैसे, शरीर भी कैसे है, अब युवा, पर तो उनसे ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा ये युवा कहां से आए, शरीर कहां से आए, ये युवा कहां से आए, ये क्वेश्चन उसमें नहीं है, या पूछा होगा तो उनके पास जवाब नहीं था, ऋग्वेद यहां चुप हो गया। जब ऋग्वेद चुप हो जाएगा तो कौन बताएगा, परमात्मा बताएगा, सच तो परमात्मा ही बता सकते हैं ना, अब परमात्मा ने बताया युवा कहां से आए, युवा कहां से आते, ये परमात्मा आकर समझाते, बच्चे मैं आकर जब पढ़ाता हूं, मैं आकर जब पढ़ाता हूं, पढ़ने में तो सारे नंबर वाले होंगे, सारे एक जैसे तो नहीं होंगे, नहीं होंगे, और सृष्टि का अंत हो नहीं सकता, सृष्टि अनादि और अनंत है, ठीक है, कहने जब सृष्टि का अंत हो नहीं सकता क्योंकि सृष्टि अनादि और अनंत है, ठीक है नहीं, तो कैसे चलता है ये चक्र, उसको परमात्मा आकर
समझाते हैं। यह हम सृष्टि चक्र को देखते हैं, ठीक है, संसार का कभी अंत नहीं होता, परंतु सतयुग में धीरे धीरे आत्माएं आना शुरू होती हैं और कलयुग के अंत में जब मैं सबको पढ़ा देता हूं, आग लगती है तो सारी आत्माएं कहां जाती हैं? घर अपने परमधाम जाती हैं, सारी आत्माएं। ये नोट करने वाली बात है कि सारी आत्माएं घर जाती हैं। अब जब सब आत्माएं घर चली जाए तो नई रचना कैसे होगी? पहला बच्चा कहां से पैदा होगा? ये मेरा क्वेश्चन था। पहला बच्चा पैदा कहां से होगा? सारी चली गई तो शरीर कैसे मिला? सारी आत्माएं चली जाएंगी। तो क्या होता है कि जिन आत्माओं ने योग के द्वारा अपने आप को प्योर बनाया, नेचर को प्योर बनाने की हेल्प की, नेचर विल हेल्प देम, प्रकृति उनके शरीर को सुरक्षित रखेगी, प्रकृति उनके शरीर को सुरक्षित रखेगी, क्योंकि जो योग के द्वारा खुद को तो पावन बनाएंगे और नेचर को भी प्योर करने के लिए हेल्प करेंगे, तो नेचर विल हेल्प देम। सीधा सा नियम है, प्रकृति उनके शरीर को क्या रखेगी? सुरक्षित, फल देगी। जब आग लगेगी और जब आग शांत होगी, उनके शरीर सुरक्षित होंगे। आग कैसे सुरक्षित होंगे? उसके लिए परमात्मा ने जो डायरेक्शन दिया कि दो कहानियां हैं। एक कहानी आपने सुना कि बिल्ली ने अपने बच्चे मटके में दे दिए थे और वो मटका आवे में लग गया था, भट्टी में लग गया था और आग लगा दी। बाद में उनको समझ में आया कि उसमें तो मटके में तो बिल्ली के बच्चे थे, है नहीं? और फिर वो परमात्मा की याद में बैठ गए, मटके पक के बाहर निकले तो बच्चे भी जीवित थे। कहानी सुनाते हैं दुनिया वाले, ठीक है, इस कहानी का। इसी प्रकार ये सारा संसार आग में जलेगा परंतु वो सुरक्षित रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल दिया प्रहलाद का, जैसे होलिका को वरदान था कि चादर तुम पहनकर बैठ जाओगे तो तुम नहीं जलोगे, और प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई और वो चादर ऐसे उड़ी कि प्रहलाद बन गया और होलिका जल। ये दो एग्जाम्पल परमात्मा के डायरेक्शन में मैंने सुने और फिर मुझे देखने में समझ में आया कि आज जो साइंटिस्ट हैं, जो बम्स और मिसाइल लेकर बैठे हैं, वो उनको क्यों नहीं चला रहे हैं? क्योंकि उन्हें भय है कि हम मर जाएंगे और इस मर ना जाएं, मिसाइल भी चलानी है और हम ना मरें, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? अपने लिए विशेष फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, दुनिया भर के रेडिएशन, हर प्रकार के हार्मफुल से बचने वाले रूम जो है, प्लेस जो है ना, बना रहे हैं, व्हाइट हाउस में भी बनाए जा रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, वहां उनके ऊपर कोई असर ना पहुंचे, ठीक है। तो जब आग लगेगी, वो आत्माएं जिन्होंने नेचर को हेल्प की हुई होगी, नेचर उनकी बॉडी को चाहे बाढ़ के द्वारा, चाहे हवा के द्वारा, चाहे कैसे भी, क्योंकि उथल पुथल तो होनी है ना, कर्म का फल तो मिलेगा, तो वो बॉडीज किसी भी प्रकार से उस सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगी और वो सुरक्षित रह जाएंगी, बाकी सब जल जाएंगे, ठीक है। और जब धरती, क्योंकि बचना तो है ना उनको, बचने का प्रावधान परमात्मा को, टेंशन परमात्मा को, हमें टेंशन क्यों? परमात्मा ने कहा कि वो सुरक्षित रहेंगे तो रहेंगे, परमात्मा ने कहा है ना, अब वो सुरक्षित रहेंगे, ये केवल हमारी सोच है, परंतु परमात्मा का फार्मूला क्या है वो तो हम आगे देखेंगे, ये तो मेरा अपना क्या कहते हैं नजरिया बता रहा हूं। अब वो जब सुरक्षित रहेंगे, जब धरती एक वो आत्माएं शरीर को छोड़कर जाएंगी, शरीर यहां छोड़ के जाएंगी, आत्माएं घर जाएंगी, और वहां से जब धरती सेट हो जाएगी तो वह आत्माएं नीचे आएंगी और अपने शरीर को पहनकर
खड़ी हो जाएगी। वो शरीर कृष्ण तो जैसे कृष्ण तो पत्ते पे दिखाते हैं ना आते हुए छोटा रूप में। ये दुनिया वालों ने दिखाया कि श्री कृष्ण पहला कहां से आया होगा। उन्होंने सोचा पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया होगा, वो उनकी कल्पना है। परंतु परमात्मा समझा रहे हैं बच्चे उनके शरीर युवा अवस्था तक के सुरक्षित रहेंगे, और जब वो आत्माएं वापस आएगी तो अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो जाएंगी, अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो जाएंगी। अब उन्हें वो दुनिया जो छोड़कर गए थे वो उनको याद नहीं। लेकिन अब जो चोला है वो तो पतित है, इतना उसमें चार्म नहीं है, लेकिन वो जो सतयुग की जो चार्म होगा वो दोनों में फर्क होगा ना शरीर में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पतित शरीर है ना, परंतु पावन शरीर, मैंने आपको बताया पावन शरीर बचेगा ना, जिन्होंने योग के द्वारा अपने आप को पावन बनाया होगा, जिन्होंने निर्विकारी रूप में जन्म लिया होगा। यहाँ आपने एक क्वेश्चन बीच में छोड़ दो, करना पड़ेगा क्लियर आपको, तब आपको ये समझ में आएगा। वहां कैसे पूछ गए? नहीं, क्वेश्चन ये है कि वो पवित्र कैसे बच गए। जैसे हमारा शरीर विकार से पैदा हुआ है, हमारे माता पिता विकार में गए तो ये शरीर बना, ठीक है। अब ये शरीर तो जलेगा, ये शरीर तो सतयुग में नहीं जा सकता, वो क्लियर माइंड में रखना। यही तो मेरे, मैं आपके क्वेश्चन को मैं समझ गया, इसलिए मैंने वही लिया है कि ये हमारा शरीर विकार से पैदा हुआ है, ये तो सतयुग में नहीं जा सकता। फिर जो यज्ञ के अंदर आत्माएं आई, उन्होंने एडवांस पार्टी में जन्म लिया। एडवांस पार्टी क्या होती है? जो सतयुग की रचना को जन्म देने के निमित्त बने, जो सतयुग की रचना को जन्म देने के निमित्त बने, वो जन्म विकार से लेंगे, वो जन्म विकार से लेंगे। परंतु उसके गर्भ को प्योर करने के लिए, क्योंकि उनमें सामर्थ्य आनी चाहिए ना, क्योंकि एक तो वो यहां योग करके गए, योग के द्वारा अपने आप को पावरफुल बना के गए, एक परमात्मा ने कहा कि मैं, दूसरा जो आत्मा शरीर छोड़ती है उसके निमित्त आप योग लगाते हो, तीन तरीके से वो आत्मा एडवांस पार्टी में पवित्रता से जन्म लेती है। परंतु वो भी विकार से पैदा हुई है, उनका शरीर भी सतयुग में नहीं जाएगा, उनका शरीर भी सतयुग में, वो जो एडवांस पार्टी में जन्म लेंगे वो फिर संकल्प से बच्चा पैदा करेंगे, संकल्प से बच्चा पैदा करेंगे। वो बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लाइक समझे? संकल्प से। माता पिता केवल संकल्प करेंगे और बच्चे पैदा होंगे। एडवांस पार्टी कौन है? एडवांस पार्टी बताए, समझाए ना आपको। एडवांस पार्टी जब हमारे यहाँ यज्ञ में आए हुए बच्चे शरीर छोड़ते हैं, उसके निमित्त संदेश जब लेते हैं तो दो प्रकार का संदेश मिलता है। एक ये संदेश मिलता है कि इसने बहुत मेहनत किया है, अब ये किसी अच्छे परिवार में जाकर जन्म लिया है जहां इसको ये ज्ञान ये सुविधाएं मिलेंगी। इस बच्चे ने एडवांस पार्टी में जन्म लिया है, जिसने एडवांस पार्टी में जन्म लिया है वो सतयुगी रचना को जन्म देने के निमित्त बनेगी। जैसे कृष्ण के माता पिता हो गए एडवांस पार्टी वाले, वो कृष्ण को जन्म देंगे संकल्प से,
जो सतयुग में पहले जन्म में आने वाले हैं, जिनके शरीर सुरक्षित रहने वाले हैं, उनकी माता पिताएं उनको संकल्पों से जन्म देंगे, ठीक है, उनका शरीर नष्ट हो जाएगा माता पिता का, क्योंकि उनका भी जन्म किससे हुआ, विकार से हुआ। अब उनके शरीर केवल सुरक्षित रहेंगे जिन्होंने निर्विकारी रूप से जन्म लिया है। वो सतयुग में आएंगे और अपने शरीर को पहनकर खड़े हो जाएंगे, उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे, सबके शरीर सुरक्षित नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ी सी आत्माएं शरीर को छोड़ेंगे और छोड़कर घर चले जाएंगे। जब धरती वर्ग सेट हो जाएगी तो अपने शरीर को पहनकर खड़े हो जाएंगे, वो सब युवा होंगे। इसलिए परमात्मा ने बताया कि जब सतयुग शुरू होता है लक्ष्मी नारायण से, ना कि कृष्ण से, सतयुग शुरू होगा लक्ष्मी नारायण से। वन वन वन, पहला दिन, पहला महीना, पहला साल, कहां से होगा, लक्ष्मी नारायण से, कृष्ण से नहीं। कृष्ण जन्म लेता है संगम पर, और जब सतयुग शुरू होता है तो श्री कृष्ण और राधा इन दोनों का विवाह होता है। आज तक हम झूठी कहानियों में पढ़ते आए कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। अब परमात्मा ने आके समझाया कि बच्चे राधा और कृष्ण का विवाह होता है, जगह भी है। इसलिए ध्यान देना, समझ रहे हैं इसको, इसलिए आज तक आपने देखा होगा राधा और कृष्ण के बचपन के चित्र मिलेंगे, युवा अवस्था के चित्र मिलेंगे, परंतु प्रौढ़ अवस्था के चित्र नहीं मिलेंगे, बुढ़ापे का चित्र नहीं मिलेगा। लक्ष्मी नारायण के प्रौढ़ अवस्था के चित्र मिलेंगे, उनका बचपन और जवानी का चित्र नहीं मिलेगा, बुढ़ापे का चित्र नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ कि राधा और कृष्ण का जब विवाह हुआ, क्योंकि जब वो शरीर छोड़कर गए थे तब तो उनका नाम राधा और कृष्ण था, पर तो जब आकर के उन्होंने दोबारा अपने शरीर को लिया तो उनको अपना नाम नहीं पता, उनको अपना नाम वो विस्मृति होगी सारी, क्योंकि परम धाम जाने के बाद वो पिछला सारा भूल गए। केवल उनको इतना याद कि हमने, हमारा नीचे कॉस्ट्यूम है, शरीर है, हमने उसको पहनकर खड़ा किया। अब वो खड़े हुए तो जो लोग खड़े हुए मिले आपस में, उन्होंने नामकरण किया। अब उनका नाम क्या हो गया, लक्ष्मी नारायण। राधा का नाम लक्ष्मी रखा गया और कृष्ण का नाम नारायण रखा गया। इसलिए लक्ष्मी नारायण का बचपन का नाम राधे कृष्ण था और शादी के बाद नाम हो गया लक्ष्मी नारायण। दूसरी बात, आज तक विवाह के समय नाम परिवर्तन करने का, नया नाम रखने का नियम, आज तक विवाह के समय दूल्हा दुल्हन को लक्ष्मी नारायण के रूप में बिठाने का नियम है। बात समझ में आई, इसीलिए लक्ष्मी नारायण के बचपन के फोटो नहीं है, राधा कृष्ण के प्रौढ़वस्था के फोटो नहीं है, क्योंकि प्रौढ़वस्था में उनका नाम हो गया लक्ष्मी नारायण, बचपन में उनका नाम था राधे कृष्ण। अब ये बात तो परमात्मा ही समझा सकता था, ये कोई इंसान तो समझा ही नहीं सकता था। तो सृष्टि के आदि में युवा होते और वो सतयुग के अंदर जो संतान पैदा होती है वो संकल्प से होती है, ना कि विकार से होती है। अब कई लोगों का प्रश्न बीच में खड़ा होता है, ये संकल्प से सृष्टि कैसे पैदा हो जाती है, संकल्प से सृष्टि कैसे पैदा हो जाती है, कईयों का प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो उसका जवाब बहुत ध्यान से समझना है। जैसे हमारे पास एक रिमोट है,
रिमोट कंट्रोल, ठीक है, राडार हमारा कितनी दूर, उपग्रह पृथ्वी का कितनी दूर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, राडार कहाँ है, कंट्रोल रूम कहाँ है और कृत्रिम उपग्रह, और हम उसे इस छोटे से रिमोट कंट्रोल से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ना। और हम छोटा देखिए बहुत लंबा हो जाता है, और छोटे से हम समझे कि हमारा टेलीविजन वहां रखा हुआ है, रिमोट मेरे हाथ में है, मैं यहां से रिमोट दबाता हूं, आवाज कम करता हूं, चैनल चेंज करता हूं, जो मर्जी करना है मैं टेलीविजन पर कर सकता हूं। अब ये रिमोट किसी बच्चे के हाथ लग जाए और सारा दिन वो उसके बटन दबाता रहे, रात को आप आए उसकी बैटरी खत्म हो गई है, उसकी बैटरी खत्म हो गई, क्या करोगे, अब उसको चलाना तो है ना, आप उसे मैनुअल जाके चलाओगे, मैनुअल चलाना ठीक है, अब वो मैनुअल का भी बच्चे को पता लग जाए कि ऐसे चलता है तो वो उसके बटन दबाता रहे, मैनुअल भी खराब हो गया, समझे। अब उसको प्रैक्टिकल देखेंगे, संकल्पित तो है रिमोट, क्या है एक रे, संकल्प ही तो है, थॉट ही तो है, एक वाइब्रेशन ही तो है जिसने उसको ऑपरेट करना है। ऐसे ही सतयुग में माता पिता लगभग 7 साल की उम्र में संकल्प करते हैं हमें बेटा को, बस मां को गर्व हो जाता है, जैसे हम सुनते थे ना तथा उसको बेटा पुत्र बान भाव, और उसको पुत्र हो गया, हमसे तो कुछ गड़बड़ किया होगा। अब परमात्मा कहते बच्चे पवित्रता के कारण उनके संकल्प में इतनी पावर होती है कि वो संकल्प करते हैं हमें पुत्र चाहिए, मां को गर्भ हो गया, विकार में जाने की जरूरत नहीं, एक संकल्प ही इतना पावरफुल होता है, रिमोट पावरफुल है। अब वो संकल्प को फालतू करता रहे व्यर्थ, फिर करे संकल्प नहीं होता, बैटरी खत्म हो गई है ना, फिर वो मैनुअल बटन दबाता है, द्वापुर में आते हैं तो विकारी संतान शुरू होती है, विकार में जाएंगे मैनुअल जाकर बटन दबाएंगे तो बच्चा होगा। अब वो बच्चों के हाथ में लगे रिमोट कंट्रोल, उसको मिसयूज करना शुरू कर दिया, आज वो कहते बच्चा हो नहीं होता, आज वो रिमोट कंट्रोल भी क्या कर दिया है, मैनुअल भी खराब कर दिया है, गलत संगत में आकर के अब वो बच्चा चाहते हैं बच्चा नहीं, होंगे सतयुग में संकल्प से सृष्टि रची जाती है, विकार से सृष्टि नहीं रची जाती, सतयुग और त्रेता में द्वापर से विकारी सृष्टि का आरंभ होता है। पर आज तक सुनते आए श्री कृष्ण जी के कोई संतान नहीं थी, अब वो सबसे पहले जन्म लेंगे। अब तक आपने जो देखा सुना, यदि वो आपको अच्छा लगा है, विस्तृत जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आपका कोई प्रश्न है तो मोबाइल नंबर 9213106986 पर व्हाट्सएप करें, या विश्व के 137 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। धन्यवाद।